जैसे आप लोग एक छोटी सी एक प्रॉब्लम कल मेरे पास आई थी और वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हुआ ये, एक साहब ने फीडिंग कराई सिरंज से, क्यूरियल सिरंज भी यूज कर रहे थे और फीडिंग कराने के दौरान एकदम से सिरंज जो है वो अपनी जो भी सिरंज वो यूज कर रहे थे एक्सरसाइज में उससे कोई मुझे वो नहीं है, अंदर का पिस्टन एकदम से प्रेस हुआ और वो प्रेस हो जाने की वजह से खुराक सांस की नाली में चली गई, बच्चा एक्सपायर हो गया। मैं आपको अभी अपनी सिरंज से TN की जो मेरी अपनी सिरंज है इससे मैं आपको फीडिंग करके दिखा रहा हूँ एलेक्जेंडाइन के 2 से 3 दिन के बच्चों को। इसके अंदर आप कोई भी सिरंज लें, मेरी लें या किसी की भी लें, मकसद मुझे अपनी सिरंज की तशहीर करना नहीं है। एक चीज जो मैंने इसके अंदर देखी है, काइंडली लेते जो इसके अंदर मैंने टेक्निकली रखी है, आप लोग भी लाजमी देखें दूसरी सिरंज लेते हुए कि जब उस सिरंज को आप यूज कर रहे हैं तो वो बहुत स्मूथली आहिस्ता आहिस्ता चले, झटका ना ले। अभी मैं आपके सामने सिरंज को ये थोड़ा सा मैं यूं कर लूंगा कि फीड निकले नहीं, ये अगर आप देखें तो कितना स्मूथली ये चल रही है और ये झटका नहीं ले रही। अगर मैं तेज भी चलाऊंगा तो ये देखें आप, ये झटका नहीं लेगी क्योंकि इसके अंदर के रिंग का साइज मैंने थाउस में ऐसा रखा है कि वो फंस के चले, झटका ना ले। अब मैं आपको फीड करके दिखाता हूं, इसमें आप देखिएगा कितना स्लो में फीड कराऊंगा और बच्चों की फीडिंग का भी आप देखिएगा। ये थोड़ी सी एयर, ये देख लें आप, ये कितना स्मूथली मैं इसको इधर दिखाइए, ये आप देखेंगे मैं कितना स्मूथली चला रहा हूं कि ड्रॉपिंग हो रही है सिर्फ। और यहां पे अगर आप यहां दिखाइए, यहां आप देखें तो ये यहां पर आपको चलता हुआ महसूस भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहां दिखाइए जरा, यहां दिखाएंगे अगर तो ये देखेंगे ड्रॉपिंग हो रही है, लेकिन ये यहां से चलता हुआ फील भी नहीं हो रहा जबकि मैं अंगूठे से दबा रहा हूं उसको। ये मैं फीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रॉप दिखाइए इसका, ये जरा सी देने के बाद रुक जाइए ताकि बच्चा दोबारा ब्रीथ मोड से फीडिंग मोड पे आ जाए। ये मैंने दोबारा इसको, ये ड्रॉप जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप जा रहे हैं। सिर्फ सिंपल सा ये देखिए, ये बच्चा अगर हिलाए भी तो इसके अंदर बच्चे को किसी किस्म का खतरा नहीं है कि क्रॉप में या उसके तालू में लगने का डर हो। स्टील के निडल में थोड़ा सा खतरा होता है कि वो तालू में लगने का डर होता है। ये मैंने और एक और उससे भी छोटा बच्चा निकाला है, क्रॉप आप देख रहे हैं इसका खाली है और ये अब मैं इसको फीड करा रहा हूं। ये देखिए, ये बिल्कुल ड्रॉप इसका जा रहा है इसको, और थोड़ा सा रुक जाए ताकि उसे सांस लेने का मौका मिले। दोबारा इसको, अच्छा जरा सा अपने इसको फीड कराऊंगा, आप वीडियो इधर मेरे अंगूठा जो चल रहा है इधर दिखाइएगा इस हिस्से पे, कि ये चलता हुआ नजर आ रहा है, फील भी नहीं होगा कि ये चल रहा है। और इसके पाइप को दिखाइए जरा, यहां से पाइप देखें आप,
तो पाइप में आपको फीड जाती हुई, क्रॉप में उससे फीड जाती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा हाथ इस तरफ कीजिए ताकि रोशनी आए। अब ये एक बिल्कुल एम्प्टी क्रॉप है और ये अब आप ऐसे दिखाइएगा कि सिरंज पूरी चलती हुई मेरे हाथ नजर आए और आप देखिएगा कि कितनी स्पीड है। बच्चा माशाल्लाह ये इतनी सॉफ्ट सिरंज है, ट्यूब है सिलिकॉन फूड ग्रेड, कि बच्चा साथ में हिल भी रहे ना तो इससे बच्चे को कोई किसी किस्म का हैजर्ड नहीं है, ये बच्चे के तालू को या किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। ये देखिए फिर ये ख्याल रखें कि प्रॉप थोड़ा सा एम्प्टी छोड़ें, बिल्कुल 100% फिल नहीं है, ये देख लें आप। ये हो चुका है, ठीक है जी। आप समझ गए कि सिरंज की सिलेक्शन जब भी करें ऐसी सिरंज रखें जो कि इस तरीके से, अब आप देखिए ये आप देख रहे हैं ये कितने स्मूथली चल रही है। ये मैं आपको ऊपर तक आते हुए दिखाऊंगा लेकिन ये झटका नहीं लेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अब मैं थोड़ा सा तेज चला रहा हूं, ये देखिए आप, ये मैं आप नीचे खींच रहा हूं, आप देखें ये इसमें भी झटका नहीं लेगी, देखा आपने, ये देखिए।